ये हमारा आज जहाँ पे मैं कहूँगा, आज जहाँ पे हमारे भारत नगर और जिखैनी के लोगों ने, दला भारत नगर और जिखैनी के लोगों ने आज जहाँ पे जश्न बनाया है, लड्डू बांटे हैं, मैं कहना चाहता हूँ मुझे भी 15 साल हो गए लगातार एक्टिव पॉलिटिक्स में, लेकिन आज तक हमें किसी ऑफिसर की वजह से ऐसा मौका नहीं आया। ये अगर आज ये मौका आया है जहाँ पे हमने लड्डू बांटे हैं, मुद्दा आपको बाद में बताता हूँ, जो उधमपुर डिप्टी कमिश्नर जो है उनकी वजह से आज जो मेरे बुज़ुर्गों की शक्ल देखिए, मेरी माता बहनों के मुरझाए हुए चेहरे देखिए, आज खिल उठे हैं, क्योंकि पिछले 2017 से हम लोग लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये जो हमारा रोड था जो दला से निकलता था और भारत नगर के लिए जाता था, लेकिन जब जहाँ पे जो नेशनल हाईवे का काम हुआ, नेशनल हाईवे वालों ने इस हमारे रोड को जहाँ पे जीरो कर दिया। और मैं कहना चाहता हूँ हमारे जो बुज़ुर्ग जहाँ पे मेरे साथ खड़े हैं, सीनियर सिटीजन जो हमारे साथी हैं सारे, जहाँ पे प्रकाश जी हैं, हमारे जगन्नाथ जी हैं, डॉक्टर सोम जी हैं, मैं कहना चाहता हूँ, और हमारे मास्टर मदन जी, मास्टर सुरम जी, विजय जी, रामलाल जी, देशराज जी, रशीद जी, देश कुमार जी, मैं कहना चाहता हूँ जो हमारे जो सीनियर सिटीजन बुज़ुर्ग हैं हमारे मोहल्ले के, इस एरिया के, हमें गर्व है इन लोगों के ऊपर। इन लोगों ने पिछले 4-5 सालों में उधमपुर, चाहे MLA हो, चाहे रूलिंग MLA हो, चाहे अपोजिशन के MLA के लीडर हो, चाहे उधमपुर तहसीलदार के दफ्तर से लेकर DC दफ्तर से लेकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के दफ्तर से लेकर गडकरी तक जो हमारे बुज़ुर्ग मिले हैं। और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे आज और कितने DCOs के साथ हमारी मीटिंगें हुई हैं पहले भी, लेकिन मैं कहना चाहूँगा अब पिछले 1 महीना पहले की बात है, जो हमारे जो बुज़ुर्ग साथी थे, ये सारे डिप्टी कमिश्नर उधमपुर जो है इस वक्त उनके पास गए और वहाँ पे उनको हमने जाके जो समस्या बताई, उन्होंने कहा मैं शाम को 5 बजे आपके वहाँ पे आके मौका देखूंगी, लेकिन उस दिन उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, वो नहीं आ पाई। लेकिन 2-3 दिन के बाद हमारे प्रकाश जी, हमारे जगन्नाथ जी, इनको DC दफ्तर से फोन आया और इनको वहाँ पे बुलाया गया और इनके साथ PD नेशनल हाईवे को लगा के, मैं कहना चाहता हूँ आज हमारा काम जहाँ पे स्टार्ट हुआ है, इसके लिए हम उधमपुर डिप्टी कमिश्नर, और मैं कहना चाहता हूँ जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है और जिन जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है, मैं सभी का जहाँ पे आए हमारे सभी इन बुज़ुर्गों की तरफ से शुक्रिया।